अभिनेत्री सुचित्रा सेन को बंगाल की मधुबाला के नाम से भी जाना जाता है। ये उन अभिनेत्रियों में से एक थी जो हमेशा अपनी शर्तों पर काम करवाती थी। अपने फिल्मी करियर में सिर्फ 60 फिल्में और उनमें से हिंदी की सिर्फ 7 फिल्में उन्होंने की। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री जैसे पुरस्कार से भी नवाजा। करियर में सबसे ज्यादा फिल्में अभिनेता उत्तम कुमार के साथ रहने वाली सुचित्रा सेन भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री हैं जिन्हें किसी विदेशी अवार्ड से भी नवाजा गया। आज इस वीडियो में हम आपको सुचित्रा सेन की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो शायद ही आपको पता होगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप मस्त, तो चलिए शुरू करते हैं। सुचित्रा सेन का जन्म 6 अप्रैल 1931 को अंग्रेजों के समय बंगाल प्रेसिडेंसी की एक जगह पाबना में हुआ था। इस जगह को आज बांग्लादेश में सिराजगंज के नाम से जाना जाता है। सुचित्रा के बचपन का नाम रोमा दास गुप्ता था। रोमा अपने पिता करुणामय दास गुप्ता, माता इंदिरा देवी की 5वीं संतान थी। सुचित्रा सेन के पिता पावना महानगर पालिका में सैनिटेशन ऑफिसर के पद पर नियुक्त थे। माता घर संभालती थी। उनके दादा रजनीकांत सेन मशहूर कवि थे। 1947 में हुए भारत के बंटवारे के वक्त उनके परिवार को भारी तकलीफ उठानी पड़ी। सिर्फ 15 साल की उम्र में एक अमीर उद्योगपति आदित्यनाथ सेन के बेटे दीवानाथ सेन के साथ उनकी शादी हो गई। सुचित्रा सेन को बचपन से ही कला का बहुत शौक था। हालांकि उनके फिल्मी करियर की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत बंगाली फिल्मों से ही की थी। सबसे पहले उन्होंने शेष कोथाया नाम की एक फिल्म में काम किया। बदकिस्मती से ये फिल्म कभी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो पाई। सुचित्रा सेन हिंदी सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत विमल रॉय की फिल्म देवदास से की थी। 1955 में आई इस फिल्म में वे हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े कलाकारों में से एक दिलीप कुमार के साथ मुख्य भूमिका में नजर आईं। दर्शकों ने उन्हें पारो के किरदार में खूब पसंद किया। साथ ही समीक्षकों ने उनके अभिनय को भी काफी सराहा। इस फिल्म में शानदार अभिनय के बाद सुचित्रा सेन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। सुचित्रा सेन ने अपने पूरे फिल्मी करियर में मात्र 7 हिंदी फिल्मों में काम किया। देवदास के बाद उनकी सबसे चर्चित फिल्म रही आंधी। इस फिल्म में उनके द्वारा निभाया गया किरदार भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन से काफी मेल खाता है। सुचित्रा सेन की वेशभूषा और मेकअप भी ठीक वैसा ही था, इसलिए गुलजार के निर्देशक में बनी इस फिल्म पर काफी विवाद भी हुआ था। इस फिल्म में उनके साथ उस समय के जबरदस्त अभिनेता संजीव कुमार मुख्य भूमिका में थे। साल 1963 में सुचित्रा सेन ने सफलता की ऐसी ऊंचाइयों को छुआ जहां तक पहुंचने में भारत की कोई भी अभिनेत्री या अभिनेता उस वक्त तक सफल नहीं हुए थे। उन्हें 3rd मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से नवाजा गया। किसी भी विदेशी पुरस्कार को पाने वाली सुचित्रा सेन पहली अभिनेत्री रही हैं। सुचित्रा सेन इंडस्ट्री में काम करने के लिए जहां भी जाती थी अपनी शर्तों पर वे काम करवाती थी। शादी के कुछ समय बाद उनकी बेटी मुनमुन सेन पैदा हुई। कुछ और समय गुजारने के बाद सुचित्रा सेन ने अपने पति से तलाक ले लिया। कहा जाता है कि सुचित्रा सेन बहुत खूबसूरत थी और उनके पति बहुत अमीर थे। इन दोनों को ही अपनी इन दोनों चीजों पर बहुत गुमान था। इन दोनों की आपस में ठीक से नहीं बनी, इसीलिए सुचित्रा के पति उन्हें छोड़कर अमेरिका चले गए और वहीं पर हमेशा के लिए बस गए। साल 1970 में सुचित्रा सेन के पति दीवानाथ सेन का देहांत भी हो गया था। सुचित्रा सेन का करियर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जब उनकी फिल्म प्रोनाइज पाशा फ्लॉप साबित हुई तो इससे उन्हें काफी धक्का लगा और उन्होंने उस समय फिल्म इंडस्ट्री से अलविदा कह दिया। इसी चक्कर में राजेश खन्ना के साथ बनने वाली फिल्म नटी विनोदनी इन्होंने बीच में छोड़ दी। बाद में ये फिल्म बनी ही नहीं। वर्ष 1978 में सुचित्रा सेन फिल्म इंडस्ट्री से एकदम गायब हो गई। फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहने के बाद सुचित्रा सेन को वर्ष 2005 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 24 दिसंबर 2013 को उन्हें फेफड़ों में संक्रमण होने की वजह से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लगातार चल रहे इलाज के बाद जनवरी के पहले ही हफ्ते में वे ठीक हो चुकी थी, लेकिन 17 जनवरी 2014 को उन्हें अचानक से दिल का दौरा पड़ा और इसी के साथ इस महान कलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये है सुचित्रा सेन की कुछ अनसुनी कहानियां। दोस्तों, आपको सुचित्रा सेन का व्यक्तित्व कैसा लगा, आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, नमस्कार।
दोस्तों सब्सक्राइब करें टॉप मस्ट को और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पाएं सबसे पहले।